अजय तुम्हारा टिफिन। थैंक यू जी, कभी कभी ना लिव इन में भी एकदम मैरिड फील आता है कसम से। रहने दो। अच्छा मैं बैंक जा रही हूँ जॉइंट अकाउंट खुलवाने, तो मुझे डॉक्यूमेंट सारे व्हाट्सएप कर देना। जॉइंट अकाउंट अभी रहने दो। क्यों, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? इट्स नॉट अबाउट भरोसा यार, इट्स अबाउट फाइनेंशियल विजडम। व्हाट्स दैट सपोज्ड टू मीन? मींस जॉइंट अकाउंट में दोनों पार्टनर अकाउंट से किए गए फाइनेंशियल डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब चाहे एक पार्टनर उस डिसीजन में इन्वॉल्वड हो या ना हो, लायबिलिटी दोनों की होती है। हाँ तो मैं कौन से ऑप्शन सेलिंग करती हूँ, जो होगा तो मैं बता के ही होगा। चलो ठीक है, पर जॉइंट अकाउंट में ना एक पार्टनर बिना दूसरे पार्टनर के परमिशन के ना सारे पैसे निकाल सकता है। बट मेरी सैलरी तुमसे ज्यादा है, सो आई डोंट नीड योर मनी। वही तो, जब एक पार्टनर दूसरे से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो इंफीरियोरिटी की फीलिंग आ सकती है, जो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। और यार वो ऊपर से ना जॉइंट अकाउंट में प्राइवेसी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि वो सारी ट्रांजैक्शन दोनों देख सकते हैं। प्राइवेसी? सीरियसली? मैं अपनी मम्मा के घर जा रही हूँ, बिकॉज़ आई नीड सम टाइम टू थिंक ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। अरे अरे सुनो तो यार, कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने कुछ गलत कहा क्या।